सर पर सांप, आंखों में श्राप। ग्रीक पौराणिक कथाओं आकर्षक है, लेकिन एक महिला के रूप में इसके माध्यम से जाना भयानक है। सांपों से भरे सिर वाले राक्षस में बदलने से पहले मेडुसा एक युवा और आकर्षक महिला थी। दुर्भाग्य से उसकी सुंदरता पोसाइडन की इच्छा का उद्देश्य बन गई। रोमन कवि ओविड के अनुसार एथेना के मंदिर के अंदर पोसाइडन ने मेडुसा का बलात्कार किया। बहुत सारे विद्वानों का तर्क है कि क्या घटना सहमति से हुई थी। मेडुसा के साथ बलात्कार होने के बारे में ग्रीक स्रोत कभी बात नहीं करते। केवल ओविड सुंदर मेडुसा का उल्लंघन करने वाले समुद्र देवता के बारे में बात करता है, लेकिन हर कोई उसके अनुवाद से सहमत नहीं है। एथेना ने मेडुसा को एक राक्षस में बदल दिया, एक राक्षस जिसे आप देख नहीं सकते। जिस क्षण आप घूरेंगे, आप एक पत्थर में बदल जाएंगे। कभी तारीफें बटोरने वाली खूबसूरत महिला के बाल अब जहरीले सांप बन गए हैं। मेडुसा एक गोरगोन बन गया। मेडुसा तीन गोरगों में से एक था। उसकी दो बहनें एरिले और स्टेनो थी, और उनके माता पिता का नाम फोकिस और केटो था। गोरगन्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि मेडुसा नश्वर थी और उसकी बहनें नहीं थी। हालांकि गोरगन्स के रूप की कोई व्याख्या नहीं है, प्राचीन कलाकारों ने उन्हें मेडुसा के समान चित्रित किया। एथेना को मेडुसा के प्रति द्वेष था, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसे दंडित करने और उसे एक राक्षस में बदलने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं थी। इसलिए जब पर्सियस को मेडुसा के सिर को राजा पॉलीडेक्टेस के पास लाने का काम सौंपा गया, तो एथेना ने स्वेच्छा से उसकी मदद की पेशकश की। पर्सियस ने सफलतापूर्वक मेडुसा को मार डाला, लेकिन एथेना सच्चा मास्टरमाइंड था। पर्सियस और मेडुसा को मारने के बाद जब पर्सियस अपने सिर को सिरिफोस के राजा पॉलीडेक्टेस को पेश करने के लिए वापस यात्रा कर रहा था, तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मेडुसा के सिर की मदद से पर्सियस के जीवन को खतरे में डालने वाले बहुत से रोमांच ठीक हो गए। पहली बार उसने एटलस के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया, जिससे एटलस पर्वत का निर्माण हुआ जो अफ्रीका में है। उसने इसका उपयोग राक्षस केटो और पिनस नामक एंड्रोमेडा के एक साथी को मारने के लिए किया, क्योंकि पर्सियस को एंड्रोमेडा से प्यार हो गया। जब पर्सियस अंत में सेरिफोस में वापस आया, तो उसने गोरगोन मेडुसा के सिर को उठाया और राजा पॉलीडेक्टेस को मार डाला, जिसने उसकी इच्छा के विरुद्ध डेने पर्सियस की माँ से शादी करने की कोशिश की थी। मेडुसा की उपस्थिति। पुरातन यूनान से लेकर उत्तर पुरातनता तक मेडुसा की कई कहानियां हैं। उनके पास अलग अलग कथानक नहीं है, लेकिन उनके पास मेडुसा की उपस्थिति के विभिन्न विवरण भी हैं। दूसरी सी शताब्दी के दौरान अपोलोडोरस लिखते हैं कि गोर्गों के सुनहरे पंख और दांत हैं। फिर भी मेडुसा का सबसे अच्छा वर्णन एक प्राचीन कला है। मेडुसा के बारे में लिखने वाले स्टीफन विल्क के अनुसार गोर्गोनियन मृतकों का एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व था। हेलेनिस्टिक काल के बाद से कलाकारों की नज़र में मेडुसा की कल्पना बदल गई। उन्होंने मेडुसा को एक महिला के रूप में चित्रित किया जिसके बालों में सांप थे और थोड़ी अलग आंखें थीं। दूसरी और बीसवीं सदी की दृश्य कला के माध्यम से आधुनिक लोग मेडुसा को एक खूबसूरत महिला के रूप में देखते हैं। मेडुसा और पेगासस। जब मेडुसा का पोसिडोन द्वारा बलात्कार किया गया तो वह गर्भवती हो गई, लेकिन किसी कारण से उसने कभी जन्म नहीं दिया। लेकिन जब पर्सियस ने मेडुसा के सिर को हटा दिया तो दो बच्चे चिरसोर और पेगासस खोल से बाहर आ गए। तथ्य यह है कि पेगासस एक पंखों वाला घोड़ा था। इसका तात्पर्य है कि वह पोसिडोन का पुत्र था, क्योंकि पोसिडोन दूसरों के बीच घोड़ों का देवता था।